हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 29 अक्टूबर तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके मैथ रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म पूछी गई थी एनडीए की। तो एनडीए की फुल फॉर्म एक तो होती है आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी और एक होती है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो आपके एग्जाम में कौन सी पूछी गई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आपका, मेनका गांधी वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मिस वर्ल्ड 2017 कौन रही थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुषी छिल्लर, सभी को पता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है। तो 9 अक्टूबर को राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पूछा गया था, ठीक है। कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। तो 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य एकेडमी 2018 के अध्यक्ष कौन है। प्रोफेसर चंद्रशेखर काबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, असम में मानव अभ्यारण किस के लिए जाना जाता है। तो बाघों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे देखिए, प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं हम योजना आयोग, अब ये नीति आयोग हो गया था, और अब अभी भी और पहले भी इसका जो अध्यक्ष थे वे प्रधानमंत्री ही होता था, ठीक है। जो पहले प्लानिंग कमीशन था योजना आयोग का अध्यक्ष, वो पहले प्रधानमंत्री होते थे, और अभी नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भूटान की कैपिटल क्या है। थिम्पू राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 6 अगस्त 1952 में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन से। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। विजेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है, ये बॉक्सिंग सभी को पता होगा, ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका, प्लास किस राज्य का पुष्प है। तो प्लास किस राज्य का फूल है, आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है, वनडे क्रिकेट में वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान है भाई, ठीक है, वर्तमान में महिला कप्तान कौन है। तो मिताली राज राइट आंसर हो जाएगा। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, सिक्स में। चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन तो आपका कई बार आ चुका है पहले भी, असम। और लास्ट राज्य कौन सा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद मैथ के देखेंगे और बाद में टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ फूल घास हैं, कुछ घास कुत्ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक फूल का वेन डायग्राम बनाया, और कुछ फूल घास हैं तो इस तरीके से आपने बना दिया, और कुछ घास आपके कुत्ते हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या थे इसमें, कुछ फूल कुत्ते हैं। तो फूल और कुत्तों के बीच में तो कुछ भी रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये कहना गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कुछ कुत्ते घास हैं, तो कुत्ते और घास के बीच में कुछ का रिलेशन है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओड वन आउट से भी आपका क्वेश्चन था, तो इसमें यहाँ पे दिया गया था क्यू टी एम एन एच के सी एफ, इनमें आपको बताना था कि कौन सा भिन्न है। तो अगर मैं सभी के बीच का डिफरेंस देखूँ, क्यू से टी के बीच का डिफरेंस 3 है, यहाँ से इनके बीच का भी डिफरेंस 3 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 3 है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लिखा है एम से एन, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये ही आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है बी ओ क्यू डी को लिखा गया है ई आर टी जी, तो इसमें कैसे लिखा गया है इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, 26 अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। तो आपके कोडिंग डिकोडिंग समझिए 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसी पे पूरा डिपेंड करता है। अगर आप नंबर्स जानते हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स के, तो बहुत सारे
क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। और बाकी ग्रुप डी हो गया, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, इनमें तो आप इजीली कर ही लेंगे। फिर बैंकिंग की रीजनिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसमें आपको थोड़ा और एडवांस लेवल सीखना पड़ता है, बट यहाँ तक तो अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका एग्जाम होता है तो एक रफ पेपर आपको मिलता है, तो उसमें जल्दी से जल्दी लिख लिया करें ए से एम तक, एम के नीचे एन, एन से जेड तक, अपोजिट वर्ड भी हो जाएंगे इनके ऊपर, 1 2 3 डाल देंगे तो आपका ये सारे नंबर्स के ये भी याद हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चंस इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस थ्री चल रहा है, बी में प्लस थ्री करेंगे तो ई आ जाएगा, ओ में प्लस थ्री करेंगे आर, क्यू में प्लस थ्री तो टी, और डी में प्लस थ्री तो जी। तो इस तरीके से आपका ई आर टी जी राइट आंसर बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात करें, सॉरी ये आंसर नहीं है, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट यहाँ पे पूछा गया था ए एन पी सी का कोड किस तरीके से बनेगा, तो इसमें सभी में हम प्लस थ्री करेंगे तो प्लस थ्री डी, एन में प्लस थ्री तो क्यू, पी में प्लस थ्री तो एस, सी में प्लस थ्री तो एफ, तो डी क्यू एस पी सॉरी डी क्यू एस एफ राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था आपका एनालॉगी से, तो यहाँ पे क्या था, सी के को अगर जे एफ लिखा जाता है तो जी टी को आपको क्या लिखना होगा। देखिए एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे भी आपका कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है कि इसमें सी में प्लस सेवन करेंगे तो आपका जे आ जाएगा, और के में से माइनस फाइव कर देंगे तो एफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जी में प्लस सेवन करेंगे तो एन हो जाएगा, और टी में से माइनस फाइव करेंगे तो ओ हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, एन ओ नो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे इस लॉगिज्म का। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ किताबें कलम हैं, तो कुछ किताबें, सबसे पहले आपने किताबों का एक वेन डायग्राम बनाया, उसको कट करके बना दे, कुछ किताबें कलम हैं, फिर नेक्स्ट बोला गया कोई कलम पेंसिल नहीं है, तो कलम और पेंसिल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई कलम पेंसिल नहीं है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो देखिए किताबें और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन बताया गया नहीं बताया गया ना, तो ये कहना गलत होगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कोई किताबें पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पे कुछ किताबें पेंसिल हैं, कोई किताबें पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई किताबें पेंसिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किताबें और पेंसिल के बीच में कुछ किताबें पेंसिल है ये भी नहीं कह सकते, और कोई किताबें पेंसिल नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते, हम दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ओड वन आउट से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि इनमें से कौन सा भिन्न है। अगर मैं बात करूँ सारे के सारे सेम है, मतलब ये भी सेम ही है भाई, थोड़ा सा बनने में गलती हो गई, बट ये भी सेम है। ठीक है, बट इनमें जो एरो है ये थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले में आपका यहाँ पे था, दूसरे में यहाँ पे आ गया, तीसरे में यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है ना, बट ये यहाँ पे आ गया, और चौथे में जैसे यहाँ पे, तो यही भिन्न हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये एरो आना चाहिए था, बट ये यहाँ पे ऊपर चला गया वापस, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा, यही राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और था एनालॉगी से, घड़ी समय ताप मापी, और यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए घड़ी जो है वो समय बताती है, ताप मापी आपका ताप बताता है, यहाँ पे चार ऑप्शन भी आपको दे रखा था, ऊष्मा ज्वर ताप, और यहाँ पे कुछ और भी बता रखा था, तो यहाँ पे ताप राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। कथन निष्कर्ष से और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शहर में विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं उसको देख लेते हैं। हो सकता है विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर के किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचे, तो ये राइट हो जाएगा, हो सकता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि हो सकने वाली बात तो आपकी जो इसलॉगिज्म वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाला चैप्टर हो गया, ये वाला भी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला भी, और जो स्टेटमेंट जो कथन निष्कर्ष वाला ऊपर जो हम करके आए हैं वेन डायग्राम वाला, दोनों में ही हो सकने वाली बातें बहुत सारी राइट हो जाती है। ठीक है, जो 100% के साथ में बोली जाती है कि ये ही होगा वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाला बोला जा रहा है, हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्च अधिकारियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हों, तो शायद हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि इकट्ठे होने पर रोक लगा दी जाती है, बट फिर भी मतलब एक झलक पाने के लिए, या फिर किसी भी, आप देख सकते हैं किसी भी सेलिब्रिटी को देखने के लिए भीड़ फिर भी इकट्ठा हो जाती है, तो हो सकता है ये भी आपका हो सकता है। देखिए दोनों कंडीशन आपकी हो सकती हैं इसमें, तो दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है कथन, क्या भारत में फांसी के दंड को पूरा जीवन कठोर कारावास की सजा में बदल देना चाहिए।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या फांसी, भारत में फांसी के दंड को पूरी पूरा जीवन कठोर कारावास की सजा में बदल देना चाहिए। तर्क यहाँ पे क्या है, हाँ बहुत से विकसित देशों ने इसे लागू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात यह है कि हाँ में आंसर तो मिला, बट जो इसका लॉजिक बताया गया है इसका कोई भी कथन से लेना देना नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में बोला जा रहा है नहीं, तो आंसर मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा के पूछा गया कि क्या भारत में, एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है और यहाँ पे आंसर मिला आपको नहीं। जिन्होंने जहन्य अपराध किया है उनके लिए फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे फांसी की सजा जो दी जाती है वो किसको दी जाती है, जो कठोर ज़्यादा ही मतलब अपराध करता है तो उसको ही दी जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया नहीं, जिन्होंने जहन्य अपराध किए हैं उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका ही बन जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों कुछ मैथ के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका एसआई से। एसआई में क्या दिया गया था आपको, टाइम दिया गया था, रेट दिया गया था, एसआई भी दिया गया था, प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया गया था। तो बहुत ही सिंपल है, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो बस आपको इसको अप्लाई करना था तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है तो शायद आया होगा, तो ऐसी बात नहीं कि इतना ईजी क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता, मुझे ये नहीं पता, बट ये भेजा गया क्वेश्चन है तो मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पे 1230 आपको एसआई रख लेना है, जहाँ पे एसआई आपको दिया गया है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, 5% रेट है, 6 साल का ये टाइम है। 100 डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1,30,000, और डिवाइड कर देंगे 30 से, क्योंकि 6×5 30, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जाएगा कितनी बार, 4,100, 4,100, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये था। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से था कि ए किसी काम को 32 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो कि सी कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले तो 96 आ जाएगा टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क को जब मैं 32 से भाग करूंगा तो ए एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, 96 को डिवाइड करूंगा 24 से, तो बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, 96 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट वर्क करते हैं। तो सी एक दिन में कितना करता होगा, बी ए और बी का दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, तो 12 में 7 जाएंगे कितना बचेगा, 5, तो सी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेगा, तो 96 को कितने दिन में कर लेगा, 19.2 डेज में, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था आपका ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा था 6:7, आफ्टर 3000 इंक्रीमेंट यानी कि 3000 इंक्रीज होने के बाद में इनका रेशियो 8:9 हो जाता है, तो बताना है कि पहले ए और बी की इनकम का अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, ए और बी की इनकम का पहले भी और अभी भी मतलब उतना ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट जो है वो सेम हुआ है आफ्टर 3000 इंक्रीमेंट इन रेशियो, यानी कि जब दोनों में ही 3000 का इंक्रीमेंट होगा, तो डिफरेंस आप इससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, तो डिफरेंस आपका सेम ही आने वाला है। तो पहले ए और बी की इनकम का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में डिफरेंस कितने का दिखा रहा है, 2 का, एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 3000 का, तो 2 के बराबर, 2 रेशियो के बराबर 3000 हो जाएगा, 1 रेशियो के बराबर 1500 हो जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो यहाँ पे बस 1 बराबर, वैसे भी आपका 15 ही है, तो 1 बराबर 15 है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ए की इनकम पहले कितनी थी या फिर इंक्रीमेंट के बाद कितनी होगी, तो बस आपको 1500 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, या फिर इंक्रीमेंट के बाद पूछे तो 1500 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ये सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सही जो मुझे लगा है अच्छा सा, पाइप एंड सिस्टम से। ए किसी पाइप को 12 घंटे में भर देता है, बी उसी पाइप सॉरी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, बी पाइप उसी टंकी को 15 घंटे में, और सी पाइप उसी टंकी को 20 घंटे में भर देता है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी वो देख लेते हैं। ए पूरे समय खुला रहता है, बी और सी बारी बारी खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे टोटल यूनिट वर्क निकाल लेंगे एलसीएम निकाल के, इन तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60, तो ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो 60 को 12 से भाग करेंगे, ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, 60 को 15 से भाग करेंगे तो बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, 60 को 20 से भाग करेंगे तो सी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि
पूछा क्या गया है कि ए और बी, यानी कि ए तो पूरा समय रहेगा, बी और सी अल्टरनेटिव रहेंगे। तो ए तो बी के साथ में भी आएगा, तो ए और बी शुरू में वर्क करेंगे 5 और 4, यानी कि 9 यूनिट वर्क। फिर ए सी के साथ में भी आएगा, तो ए करता है 5 यूनिट, सी करता है 3 यूनिट, तो 8 यूनिट वर्क यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का अगर मैं प्लस करूँ कितना होगा, 17 यूनिट वर्क। तो 17 यूनिट वर्क कितने दिन में होगा, 2 डेज में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 डेज बोल लीजिए, अगर ये यहाँ, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं होता, कई बार घंटे दिए होते हैं, कई बार डेज दिए होते हैं, तो आप डेज बोल लीजिए चाहे घंटे बोल लीजिए, आंसर आपका अगर डेज में आएगा तो डेज लिख दीजिएगा यहाँ पे, घंटे आएगा तो आवर्स लिख दीजिएगा, बस इतना डिफरेंस है। क्योंकि एनालिसिस में इतना आप थोड़ा समझने की कोशिश किया करें, क्वेश्चंस मिल जाए वही बड़ी बात होती है, तो डेज और इन पे मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 17 का टेबल एक ऐसा पढ़ना है जो इस 60 से कम रहे। तो 17 3 जा 51, तो 60 से कम है, ज़्यादा तो नहीं है ना, तो 51 60 में से हम 51 माइनस करेंगे, 9 रिमेनिंग बचा। बट अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 17 यूनिट जो वर्क है ना, 2 दिन का था, तो अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करनी पड़ेगी, क्योंकि 17 3 जा मैंने 1 डे के हिसाब से पढ़ा, बट यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 6 डेज तो आपका पूरा आ गया। अब आपको क्या करना है, 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग वर्क बचता है उसको करने कौन आता है, जिसने वर्क स्टार्ट किया था। तो वर्क स्टार्ट आपने ए और बी ने किया था, ए और बी कितना करते हैं 9 यूनिट वर्क, और बचा हुआ भी इतना ही है, तो एक दिन में इसको ये कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल डेज कितने लगेंगे वर्क को कंप्लीट होने में, 7 डेज, 6 पहले और एक ये लेंगे ए और बी मिलकर के, तो 7 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाई चार्ट से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पता चला है, जो इसके नीचे के क्वेश्चन तो नहीं पता चले, बट यहाँ पे इसका थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। एक पाई चार्ट था जिसमें दिया गया था, चुनाव लड़ने वाले 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या। यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है एक पूरा का पूरा सर्किल, इसमें 4 मतलब विद्यार्थी हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको कितनी मतें मिली हैं, कितनी कितनी वोट मिली हैं। परमजीत को मिली है 60 डिग्री। ठीक है, पूरा आपका जो सर्किल होता है 360 डिग्री का होता है, इसमें आपको 60 डिग्री परमजीत को मिल गई, यासीन को 80% मिल गई, शिवरमन को 120% और विश्वनाथ को आपको 100 डिग्री वोट मिली है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, टोटल वोटों की संख्या 720 है। तो अब कुछ भी आपसे पूछे जाए, या तो किसी दो के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि परमजीत और यासीन के बीच की वोटों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें कितना, 20 डिग्री का है, तो आप 720 का 20 डिग्री निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि किस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या, सबसे कम किसको मिली है, सबसे कम मिली है आपको, देखें यहाँ पे परमजीत को 60 डिग्री, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। 720 का 60 डिग्री निकालेंगे तो 360 से 720 जाएगा, 2 बार 2 की 6 में करेंगे 120। ठीक है, विजेता कौन रहा, ये भी पूछा जा सकता है, तो विजेता आपका 120 डिग्री वाला रहा होगा, सीधा सीधा से बात है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, तो शिवरामन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप उनको इजीली कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक आपके वही रटे हुए टॉपिक है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्लोगेज, वेन डायग्राम, सीरीज, कोडिंग, कोडिंग, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं पता चला, बट ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लोक और देखिए कैलेंडर से कोई क्वेश्चन शायद नहीं पता चला है, अगर आया होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। डायरेक्शन से, एनालॉजी से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये कुछ चैप्टर हैं, अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैथ की अगर बात की जाए, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, दोनों सेम से चैप्टर हैं, तो इन दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास से क्वेश्चन है, 3 से 4 परसेंटेज से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंसुरेशन, एज, DI, SI, CI, कुछ ये मैथ के चैप्टर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप पढ़ के जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप टेलीग्राम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट जितनी भी PDF है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वहाँ से मतलब मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे बस आपको सर्च करना है टॉपिक स्टडी, आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को आपने लाइक शेयर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।